भारत, भारत को देवभूमि कहा जाता है। भारत में एक से एक सुंदर और भव्य मंदिर हैं, जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है, जहाँ मंदिरों में सुबह होते ही भजन शुरू हो जाते हैं, जहाँ ढोल नगाड़े और मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। किसी विशेष पर्व पर मंदिरों को भव्यता से सजाया जाता है, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं इन मंदिरों को लेकर कई प्राचीन कथाएं और मान्यताएं भी हैं। ऐसी ही 5 मंदिर जिनके बारे में जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। इन मंदिरों को लेकर कई रहस्य हैं, उन रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, न विज्ञान न अध्यात्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रहस्यमयी किस्सा लेकर, एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें हम आपको 5 मंदिर दिखाएंगे और उन मंदिरों से जुड़ी रहस्य आपको बताएंगे। आपने इन मंदिरों में से किस किस मंदिर के दर्शन किए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कैसा अनुभव रहा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल भैरव उज्जैन। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुराभि शक्ति का ही एक रूप है, इस शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। करीब 1 दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई थी। इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, लेकिन यह खुदाई देखने के लिए काफी लोग यहाँ पहुंचे थे। सभी जानना चाहते थे जब काल भैरव शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब कहाँ जाती है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफी लोग आए, लेकिन खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लोगों को इस प्रश्न का समाधान मिल सके। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां ऐसी भी हैं। अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वो भी इस चमत्कार के पीछे का कारण नहीं जान पाए। नंबर 2, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है। धार्मिक नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ हर आषाढ़ महीने में विशाल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। इस रथ की रस्सियां खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो है जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं, जैसे आप माने या न माने या आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन इस कृष्ण मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे अनोखे तथ्य हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में यह मंदिर आस्था के साथ साथ अपने इन रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि
प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे आज तक किसी ने जमीन पर नहीं देखा। अगर आपने पुरी की यात्रा की है और आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो लोगों को कमेंट करके बताएं कि यह बात सत्य है या फिर मिथ्या। नंबर 3, मेहर माता का मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है मां का हार। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। मेहर मंदिर के पंडित बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी वहां पर डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आर गिरा। इस वजह से स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर मेहर के रूप में विकसित हुआ। नंबर 4, ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को ज्योति वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला जल रही है। यह मंदिर भारत में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां पर माता सती की जीव गिरी थी। मंदिर प्रांगण में गोरख डिब्बी नाम की जगह है, जो एक जलकुंड है। इस कुंड में गर्म खोलता हुआ पानी है, जबकि कुंड का पानी छूने पर ठंडा लगता है। नंबर 5, भोजेश्वर शिव का मंदिर। भोजपुर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भोजपुर तथा इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच में कराया गया था। इस मंदिर की पहली विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट है, व्यास 2.3 मीटर यानी 7.5 फीट तथा शिवलिंग के जमीन से ऊपरी भाग की लंबाई 3.85 मीटर यानी 12 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया। इसके अधूरी रहने के पीछे की कहानी है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक ही दिन में होना था, लेकिन सुबह होते ही इस मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया और यह मंदिर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। दोस्तों, ये थे भारत के 5 वो मंदिर जिन्हें देखने आपको जरूर जाना चाहिए, और साथ ही साथ आप समझ गए होंगे कि ये मंदिरों की कहानी और इनके रहस्य कितने हैरान कर देते हैं। अगर आपको इनमें से किसी मंदिर की जानकारी पसंद आई हो तो आप किसी मंदिर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके विचार ही हमारे लिए सच्चा पुरस्कार है। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।